नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक बार अग्रवाल होम्स के आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो जिसके अंदर अभी मैं आपको ये जो बिल्डिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस बिल्डिंग के अंदर मेरे पास 2 BHK और 3 BHK 2 यूनिट हैं। दोनों यूनिट दो दो यूनिट हैं। इसके अंदर 2 2 BHK हैं, 2 3 BHK हैं। 3 BHK मेरे पास फ्रंट साइड पे है, 2 BHK मेरे पास बैक साइड पे। मैं आपको दिखाता हूँ इसका अभी 2 BHK फ्लैट, क्योंकि बिल्डिंग में अभी काम चल रहा है। आप देख सकते हैं, ये इसका एग्जिट गेट है, यहाँ से आप एंटर होंगे इस बिल्डिंग में। और विद लिफ्ट ये जो यूनिट हमारी बन रही है, विद लिफ्ट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एंटर होते ही ये इसका ड्राइंग स्पेस है। ड्राइंग स्पेस में आप देख सकते हैं, बहुत ही स्पेसियस है, बहुत ही यूनिक है। अभी आप देखेंगे इसके अंदर काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। वॉलपेपर अभी हमारा यहाँ लगना है, वॉलपेपर अभी लगा नहीं है। बाकी काम के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज मैं फिर आपको एक बार दिखाना चाहूँगा इसकी फॉल सीलिंग। और दूसरा चीज़ जो इसमें स्पेस जो आपको मिल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये लिविंग स्पेस है इसका। लिविंग स्पेस के अंदर आप यहाँ पे सोफा लगा सकते हैं अपना। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं इसका कॉमन वाशरूम, ये देखिए, ये अभी इसका कॉमन वाशरूम है। बहुत ही स्पेसियस है, बहुत ही अच्छा स्पेस इसके अंदर मिल रहा है। लाइट्स की थोड़ी सी अभी दिक्कत आपको लगेगी, क्योंकि वॉशरूम के अंदर अभी लाइट्स लगी नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं उसके बाद इसका लाइव किचन, किचन भी आप देखें, सारे बास्केट्स वगैरह सारी अच्छी लगी हुई हैं, ब्रांडेड हैं। और देख सकते हैं आप किचन, किचन में भी इतना स्पेस है कि हमारी माताएं बहनें कोई भी आप काम करते हैं तो दो दो घर की महिलाएं, दो हमारी माताएं बहनें आराम से खड़े होकर इसके अंदर काम कर सकते हैं। यहाँ वॉशिंग स्पेस इसका दिया है। इसके अंदर जो सिंक लगाया गया है वो ये देखिए। दूसरा, यहाँ पर हमने चिमनी का स्पेस दिया है। चिमनी के स्पेस में भी आप देख सकते हैं, एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी माताएं बहनें यहाँ पे अपना चूल्हा लगा के एक यहाँ काम कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं जो मैंने आपको ये लिविंग स्पेस दिखाया है, उसमें आपका उस साइड पर सोफा इंस्टॉल होगा, सोफा आपका वहाँ लग सकता है। दूसरा, आप यहाँ पे इसको डाइनिंग स्पेस यूज कर सकते हैं। कम बजट के अंदर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, आप देखेंगे कि कम बजट में, क्योंकि अभी मैं आपको इसके रेट्स भी आपको ओपन करूंगा। और उसके बाद आप देखें, हमने एसी का पाइप ड्राइंग स्पेस में यहाँ इंस्टॉल किया है। आपका एसी भी बहुत ही अच्छी, मतलब पूरे बेडरूम, बेडरूम में भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ वेंटिलेशन। दूसरा क्या है कि ड्राइंग स्पेस के अंदर वेंटिलेशन की दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने ये एसी का पाइप इंस्टॉल किया है। आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ इसका बेडरूम। बहुत ही स्पेसियस है, बहुत ही, आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे हमने एसी विंडो दी है और ये इसका एग्जिट डोर है जो आपकी बैक साइड बालकनी में खुलता है। लेकिन उससे पहले मैं इसका कमरे का आपको दिखाना चाहूँगा। इसका डायमेंशन भी बहुत अच्छा है, करीब 11x10 के आसपास का ये बेडरूम है। और इसमें इस वॉल पर हम आपको वॉलपेपर लगा के देंगे। ऊपर भी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग बहुत अच्छी है, डिजाइन की गई है, पेंट्स वगैरह इसके अंदर किया गया है। कॉब लाइट सारी कंप्लीट वर्क में मिलेगा आपको। दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊंगा इसकी, एक अलमीरा, ये देखिए, इसमें जो हमने कबर्ड दी है ये भी आप देख सकते हैं। सनमाई का पेस्ट है, बहुत अच्छी अलमीरा है, ऊपर भी हमने इसको कवर्ड किया है, जिससे आप अपने घर का कोई भी छोटा मोटा एक्स्ट्रा सामान भी आप अपना इसके अंदर रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसकी बालकनी, बालकनी भी आप देख सकते हैं, बहुत ही स्पेसियस है। अभी इसका मैं आपको दूसरा बेडरूम भी दिखाऊंगा, जो दूसरे बेडरूम का डोर भी आपका यहाँ ओपन होता है, लेकिन वो बेडरूम मैं आपको अभी अंदर से विजिट कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये वॉशरूम, सॉरी बालकनी, बालकनी में यहाँ आप देखिए, यहाँ सॉकेट्स वगैरह दिए गए हैं, स्विचेस दिए गए हैं, जिससे आपकी वॉशिंग मशीन भी यही लग जाएगी। और पीछे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन है। सेफ्टी पर्पज से ये हमने जाल लगाया, जाल इसलिए लगाया क्योंकि बालकनी में थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज को लेके हमने ये जाल दिया है। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा बेडरूम। आइए दोस्तों, ये है इसका सेकंड रूम, सेकंड बेडरूम। आप देखिए, इसके अंदर भी हमने वॉशरूम दिया है, जो WC सीट इसके अंदर दी गई है। है जरूर छोटा, लेकिन आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको, अभी मैंने इसका बजट नहीं बताया, अगर बजट आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम बजट के अंदर दो वॉशरूम और लिविंग स्पेस और बढ़िया स्पेसियस फ्लैट कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें भी हम इस वॉल पे आपको वॉलपेपर लगा के देंगे।
और जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि बालकनी, ये देखिए दूसरा गेट ये खुला, इसकी बालकनी पे हम आ गए। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था आप देख सकते हैं। और अब मैं बताऊंगा इसके आपको सबसे जो आप लोग देखना चाह रहे हैं, जो सुनना चाह रहे हैं मेरे मुंह से, वो मैं आपको बताऊंगा आपको इसका रेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभी कुछ इस बिल्डिंग के अंदर मेरे पास कुछ फ्लैट्स, कुछ यूनिट मेरे पास अवेलेबल हैं जो कि मेरे पास 18 लाख रुपए में आपको मिलेगा। ये फ्लैट 18 लाख रुपए में उत्तम नगर के अंदर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से अंदर जाके है ये फ्लैट। अग्रवाल होम्स में मेरा आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप आए और जल्दी आए, दिवाली के उपलक्ष्य में इस फ्लैट को अपना सपनों का घर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको एक 3BHK यूनिट और दिखाऊंगा इसी बिल्डिंग के अंदर। आइए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां से हम एंटर होते हैं अपने 3BHK फ्लैट के अंदर। और सबसे पहले मैं बताऊंगा अब इस फ्लैट का आपको रेट, क्योंकि हर वीडियोस के अंदर क्या होता है, क्लाइंट्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है कि बिल्डर, जितने भी बिल्डर या डीलर्स जो भी वीडियोस बनाते हैं उसके रेट्स के बारे में वो प्राइवेसी रखते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं इसका मैं आपको रेट्स बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके रेट्स के बारे में लोगों को ये रहता है कि बिल्डर रेट्स को लेके प्राइवेसी रखते हैं, ओपन नहीं करते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फ्लैट है मेरा 28 लाख रुपए में आपको मिलता है, और 28 लाख रुपए में 3BHK फ्लैट द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से अंदर है ये फ्लैट। और बाकी आपको मैं इसके स्पेस के बारे में और डायमेंशन के बारे में बताता हूँ। आप ये देख सकते हैं इसके डायमेंशन, करीब ऐसे 12 फिट बाई 15 फिट का डायमेंशन है ड्राइंग स्पेस का, लिविंग स्पेस का। यहाँ पे आपका सोफा इंस्टॉल होगा, और उसके बाद आप इसमें अंदर देखिए अभी काम चल रहा है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो अभी लाइट्स वगैरह पूरी नहीं लगी है, लेकिन एसी पाइप यहाँ इंस्टॉल कर दिया गया है, इंटरकॉम यहाँ लगा दिया गया है। कलर कॉम्बिनेशन जैसा आप बोलेंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और वॉलपेपर जैसा आप चाहेंगे, जो आप कहेंगे वो वॉलपेपर आपका लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका कॉमन वॉशरूम। ये देखिए लाइट्स अभी इसमें भी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये इसका कॉमन वॉशरूम है। और आइए कॉमन वॉशरूम के बाद मैं दिखाता हूँ उसकी लाइव किचन, वो हमारा ड्राइंग स्पेस के ठीक सामने। आप देख सकते हैं इसकी लाइव किचन, बहुत ही अच्छी सनमाइका लगाई गई है। इस कलर की सनमाइका मैंने भी पहली बार ये लगाई है, और ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ चिमनी का स्पेस दिया गया है, सिंक यहाँ दिया गया है, उसके बाद भी वेंटिलेशन के लिए यहाँ शॉफ्ट दी गई है। चिमनी लगेगी, सीधा पाइप शॉफ्ट में आएगा। अब मैं दिखाऊंगा इसके बेडरूम्स। देखिए मैं इसका पहले आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट बेडरूम में, जो हमारे ड्राइंग एरिया से कनेक्ट है, आप वो भी देख सकते हैं। ये देखिए पूरा स्पेसियस है, करीब 12 बाई 12 13 फुट के आसपास का ये हमारा ड्राइंग बेडरूम है। बेडरूम के साथ ही हमने यहाँ पे दिया एक अलमीरा, ये देखिए अलमीरा आप देख सकते हैं। जगह को यूटिलाइज करते हुए हमने ये अलमीरा दिया, जिसमें आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। घर के अंदर बहुत ऐसी चीजें होती हैं। और दूसरा देख सकते हैं आप, ये शाफ्ट है इसकी बेडरूम से अटैच्ड है। बेडरूम के अंदर हमने यहाँ पे दिया पाइप इंस्टॉल किया एसी का, एसी का पाइप यहाँ इंस्टॉल करने के बाद ड्रेन का भी पाइप आप देख सकते हैं जो सीधा हमने उतारा है इस शाफ्ट में। पानी का ड्रेन का कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार से। फॉल सीलिंग का डिजाइन भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके दोनों फ्रंट बेडरूम के अंदर। आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों इसके बेडरूम्स हैं, एक मास्टर बेडरूम और एक आप देख सकते हैं लिविंग एरिया से अटैच्ड बेडरूम। दोनों ही बालकनी पे खुलते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर फ्लैट बन रहा है, और कम बजट में इससे अच्छा फ्लैट आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी, बेडरूम के अंदर भी एक अलमीरा यहाँ दी गई है। पूरे फ्लैट के अंदर दो अलमीरा का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये देखिए। उसके बाद वेंटिलेशन की भी मैं आपसे बात करता हूँ। वेंटिलेशन के लिए देखिए आप फ्रंट में एसी विंडो का प्रोविजन है, यहाँ आप एसी विंडो लगा सकते हैं। और काम के लिए आप देखिए इसका पेंट सारा भी ना, तीनों बेडरूम का और लिविंग स्पेस का जो भी हमने पेंट्स दिए हैं, तीनों के अलग दिए हैं, तीनों के अलग डिजाइन हैं,
आप अलग अलग कलर के आप वॉलपेपर लगाएं, बहुत ही सुंदर लगेगा। वॉलपेपर भी आप देखें, इस वॉल के ऊपर ये आपका वॉलपेपर आएगा। अब मैं लेके चलता हूं इसके मास्टर बेडरूम के अंदर। आइए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप इसका मास्टर बेडरूम। बेडरूम के अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर है। इसके ऊपर जब आपका सॉरी वॉलपेपर इस पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमने बेड का स्पेस दिया है, और जब आपका यहाँ बेड लग जाएगा तो इसमें वॉलपेपर आपका ये छुप जाएगा। तो वॉलपेपर के लिए हमने ये वॉल आपकी सिलेक्ट की है, ये वाली वॉल। इस वॉल के ऊपर देंगे आपका वॉलपेपर, जिस कलर का जैसा कॉम्बिनेशन आपको चाहिए सेम वो मिलेगा। दूसरा, वेंटिलेशन के लिए आप देखिए, जैसे आपने उस बेडरूम के अंदर आपने देखा प्रॉपर वेंटिलेशन है। विंडो हमने यहाँ दी है, ये विंडो सीधी बालकनी पे खुलती है, ये आप देख सकते हैं। बालकनी भी मैं भी आपको इसकी दिखाता हूँ, फ्रंट रोड भी मैं आपको इसका दिखाऊंगा। उससे पहले आप देखिए इसका वॉशरूम, मास्टर बेडरूम के साथ दिया गया अटैच्ड वॉशरूम है ये। और थोड़ी सी अभी लाइट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, बाकी कंप्लीट वर्क में आपको मिलेगा। पीओपी का डिजाइन भी आप देख सकते हैं, अभी इसके अंदर भी लाइटिंग्स लगी नहीं है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी हम एक दो दिन के अंदर ही सारा लगा रहे हैं। और विद लिफ्ट विद कार पार्किंग ये फ्लैट है, आपको 28 लाख रुपए में मिलता है। मुझे नहीं लगता कि आज की रेट में इससे कम बजट के अंदर आपको कोई फ्लैट मिलेगा। उसके बाद देखिए आप इसकी फ्रंट बालकनी, फ्रंट रोड भी आप देख सकते हैं, 25 फुट का आगे सामने फ्रंट रोड है इसका। बालकनी भी बहुत ही स्पेसियस है। दूसरा, आप देख सकते हैं दोस्तों एसएस की सारी रेलिंग्स वाला लगी हुई है। सैनिटरी फिटिंग्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छी क्वालिटी की लगी है। ये देखिए यहाँ आपका जो स्पेस दिया है, ये वॉशिंग स्पेस है, करीब ऐसे 4.5 फीट के आसपास ये स्पेस मिल रहा है। यहाँ आपकी बालकनी में आपकी वॉशिंग मशीन आ जाएगी, और यहाँ आप वॉशिंग मशीन लगा के अपने जो भी घर के वॉशिंग मशीन की एक ऐसी समस्या होती है कि वो स्पेस नहीं मिल पाता है, तो हमने ये स्पेस आपको दिया है। आइए दोस्तों, दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमारी इस यूनिट को विजिट करें, और दिवाली के उपलक्ष्य में आपसे इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप किराए को करें बाय बाय और ईएमआई को अपनाएं, जिससे आपका सपना घर होगा और आपके सपने साकार होंगे। मेरी यही प्रार्थना है इस दिवाली के उपलक्ष्य में, भगवान से यही मैं प्रे करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि सबको अपना घर मिले। राधे राधे, जय श्री श्याम।